का स्टार्टिंग बढ़िया था जी, एक मुद्दा लेके चले थे लेकिन वो मुद्दे से भटक गए और ये आपने टीआरपी अपना ये इनकम बढ़ाने के लिए आज वो एक दूसरे चीज को टारगेट कर रहे हैं, अश्लीलता उनका मुद्दा नहीं रह गया है। आप अश्लीलता की बात करते हैं तो मुझे इस बात से मगहैया जवान याद आ जाते हैं, वो भी काफी लड़ रहे हैं, उनका तरीका भी कुछ सही है, कभी कभी तरीका गलत हो जाता है, कभी कुछ वो भी ऐसी बातें कर जाते हैं, आप उन्हें कितना सही मानते हैं? देखिए मगहैया जवान का स्टार्टिंग बढ़िया था जी, एक मुद्दा लेके चले थे लेकिन वो मुद्दे से भटक गए और ये आपने टीआरपी अपना ये इनकम बढ़ाने के लिए आज वो एक दूसरे चीज को टारगेट कर रहे हैं, अश्लीलता उनका मुद्दा नहीं रह गया है और सिर्फ उनके ऊपर एक गायक टारगेट करते हैं और गाय को टारगेट करके उनको गाय देखें व्यू पर बढ़ाना, मगहैया जवान का एक व्यू रह चुका है और कुछ भी मगहैया जवान नहीं है आज के डेट में जी। उनके अगर वो सच्चे कुछ होते तो किसी कलाकार के ऊपर रिएक्शन लेते, झूठ मूठ का माइक पे आके फेसबुक पे आके माँ बहन करना वो कहाँ वो अच्छी बात करें, वो भी तो माँ बहन की गाली किसी कलाकार को दे रहे हैं। तो आप बताइए कि एक्शन किस तरह से लिया जा सकता है? निश्चित रूप से कानूनी एक्शन लेना चाहिए, जब कलाकार जेल जाएगा या कलाकार को कहीं चोट लगेगी मार पड़ेगी या कुछ इस टाइप का एक्शन लेना है, आक्रामक रूप लेना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों में बस की बात नहीं है, मगहैया जवान की बस की बात नहीं है, वो दोनों व्यक्ति जो हैं निश्चित रूप से डरपोक व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे आड़ में आके काम करते हैं और शायद वो गया के रहने वाले हैं। हाँ। और गया में हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें उनकी प्रतिक्रिया मिलती रहती है कि वो लोग पर्दे के पीछे रह के कहीं स्टेज पर ऊपर जाके काम करते हैं, उनको सामने आना चाहिए। अगर अश्लीलता मुक्त बनाना है तो सामने सामने आकर एफआईआर करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर जागरूकता बढ़ाना चाहिए फेसबुक के माध्यम। पर मैं कहूंगा कि अभी काफी अश्लीलता अश्लील काफी कम हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, पर जातिवाद काफी बढ़ गया है। अश्लीलता पहले लहंगा और इस सब का गाना आता था, अब काफी कम हो गया है, एक अलग लेवल पर भोजपुरी इंडस्ट्री का गाने का लेवल जा रहा है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड में और आप सभी को टी सीरीज काफी ऐसी कंपनियों से गाना बन रहा है, चाहे वो खेसारी लाल यादव का हो या अपने पावर स्टार का हो। पर जातिवाद का मुद्दा काफी आजकल बढ़ चढ़ के आ रहा है, कोई भी लड़का आता है किसी भी जाति विशेष पर टिप्पणी कर देता है, लाइव आकर बोल देता है या गाली गलौज करता है, मतलब इस तरह के काफी कारनामे हो रहे हैं। ये जातिवाद सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुत्व का खतरा है जी, ये जातिवाद पूरे हिंदू को खतरा में डाल रहा है, एक जातिवाद को बांट रहा है, जादव बांट रहा है, राजपूत बांट रहा है और ये जादव राजपूत हिंदू नहीं बांट रहे, हिंदू बांट रहे हैं जी। ये सुन लीजिए आज की सबसे बड़ी खबर है, जातिवाद ही नहीं हो रहा है, अपने टीआरपी ही नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, चूंकि है अल्पसंख्यक और संख्यक की भाषाएं चलती हैं तो भोजपुरी में जातिवाद में इतना तोड़ दिया जाएगा कि हिंदुत्व रहेगा ही नहीं, इस प्रकार का साजिश रचा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि फिर भोजपुरी में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आप देखिए कुछ अलग अलग जाति के लोग अलग अलग एक ग्रुप बना के और एक पूरे हिंदू को तोड़ दिए हैं, मुझे पूरे हिंदू को तोड़ा जा रहा है और ये हिंदुत्व का खतरा है।